अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं तेरी सिर्फ कितनी आ गया पबजी का गेम प्ले लेके। आज हम सेनो आज हम सेनो खेल रहे तेरी थे वन फोर्टी और एट हम तेरी बूट कैंप जा रहे थे। ये एक नहीं दो गेम प्ले, वन एक थर्टी मतलब क्लच सेवन अच्छा हुआ था मेरे से, तो कभी कभार ही होते हैं हमसे, कभी कभार। तो हमने बोला चलो आपको दिखा देते हैं ये। और फिर रेक्स रेंगल है, उसमें चिकन डिनर कराया हमने, इसमें भी हो जाता है। लेकिन कुछ हमारी मतलब पहली दफ़ा अपने क्लच करे ना, ओके इसलिए थोड़ा सा घबरा हाँ गए थे हम। रिस्पॉन्स अच्छा है यार। तो ऐसा है कि हम जा रहे थे मलटरी नींद बेस पड़ी अपने गई टीममेट्स यार, के साथ, और ये तीनों के तीनों प्लेयर्स ना बैक एमुलेटर टू बैक हैं। वो तो स्क्वाड आ कंप्लीट रहा है। लॉबी एमुलेटर्स की थी, जो कि हम चारों जब एमुलेटर्स पे होंगे ना, मतलब अगर मैं स्क्वाड में खेल रहा हूँ तीन ये एमुलेटर पे एक सोलो मोबाइल मिशन पे, तो में क्या मोबाइल का खेलेगा, कोई नहीं आएगा, सिर्फ एमुलेटर्स के आएंगे। और आपको पता है एमुलेटर वाले कितने कौन है ये? खतरनाक होते हैं, मेरे अलावा, जो कि मुझे अभी भी खेलना नहीं आता। हम पहुंचे थे बिल्कुल सीधी सात मेन बिल्डिंग पे, और गन सबसे अच्छी ओ बात भाई यह कि ओ हमको यहाँ भाई, गन थोड़ी सी भी नहीं मिली, मैं तो मतलब मेरा नेट बिल्कुल भी नहीं मिली हमें गन। और बहुत बुरा हुआ सही, मतलब गन क्यों नहीं मिली, पर गन नहीं मिली हमको। फिर हमको एक देखो पाइप मिलता है, इसके हम अक्सर पाइप गाते हैं। और फिर मुझे देखो किस्मत चमकी, M4 खुद ही हाथ में आ गई, इतना गंदा लैग हो रहा है। और मेरा एक टीममेट नॉक करते हैं और इसको डायरेक्ट फिनिश कर देते हैं। लेकिन इस बंदे इसने करा था, हमने बदला लिया। फिर मतलब अगर ये वहीं रहता तो ये बच जाता, लेकिन ये वहाँ नहीं रहा, ये हमारे सामने आया, इसके वो ये मर गया। और इसके टीममेट सब हमारे मुंह पे आ गए हैं। तो एक को मैंने बहुत लो करा, और इसको तो देखना कैसा, एक मतलब था अरे करके, भाई साइन अभी साहब, कुछ नहीं, सिर्फ पाइप है। अब वो बंदा बहुत पैनिक हो गया था, उसने नेट करा, लेकिन उसने नेट वो बहुत अरे मतलब नेट 6 सेकंड में फेंक दिया। फिर वो आहिस्ते यहाँ पे आया, हमें पता चल गया आ गया, हम दूर भी हो गए, हमारी थोड़ी सी ही हेल्थ डैमेज हुई। फिर वापस हम जाते हैं, मैं टीपी भी लेने लग जाता हूँ, टीमर बोलता रिवाइव दे, मैं तो रुक जा, रिवाइव दे रहा होता हूँ मैं। लेकिन इसकी बार वो गलती नहीं करता, और वो अच्छा इधर परफेक्ट आओ। नेट करता है, जो कि हमारे मुंह पे ठा करके फटता है। इस टाइम पे उस बेवकूफ़ कमकल घोड़े को, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको हम पे रश करना चाहिए, लेकिन वो घोड़ा हम पे रश नहीं करता, और वो खुद वहाँ जाके टीपी भी ले रहा है, और हम भी इतनी देर मौजूद है रिवाइव। अब हम दो हैं, उसके तीनों टीममेट हमने क्या मार दिए, किया तो हम बचे अब एक। और यहाँ मेरी कैफियत कुछ इस तरह की थी कि मैं इतने कवर में हूँ, और मुझे भी ये याद नहीं रहा कि मेरी फील्ड नहीं है, मतलब मुझे हील करना है, मैं भूल गया था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो टीममेट ने बोला भाई हील तो कर ले, फिर मैंने हीलिंग पे लगाई और फिर मैंने हील ओके किया। फिर टीममेट बोलता है बंदे आ गया, बंदा आ गया, मैं बोलता हूँ आ रहा हूँ मैं भी, बस पाइप हाँ लेके हाँ घुस जाते हैं मुँह पे, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा के अच्छे के लिए होगा, स्टार एंड ओनली, मतलब फट से साइन एक ही बस। वाह उसके बाद M4 है मेरे पास नहीं, और फिर दिलेरी देख रहे हो, बिल्कुल राइट मतलब से पड़े नहीं राइट। बीच में नुक्कड़ पे खड़े होके चौक के ऊपर आराम से लूट करके आए हैं, कोई मसला ही नहीं है सर, क्या बात कर दी। फिर हमको खबर पहुंचती यार आपका एक और टीममेट नॉक हो गया है। तो उसके बाद क्या हुआ था फिर, हाँ टीममेट नॉक होता है, लेकिन ये टीममेट वहाँ नॉक हो गया ना, ये नीचे गिर जाता है, और फिर वो बंदा इसको फिनिश ही कर देता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ, और सिर्फ दो ही बंदे बचे हैं पूरे रैंगल इस बूट कैंप में, तीन बंदे मिल सके, तीन बंदे, एक यहाँ पे जा रहा होता है, ये टीममेट होता है दूसरे का, इसको मैं मार देता हूँ। और उसने दिन में जो वेयर हाउस है, अच्छा मुझे नहीं पता उनको क्या कहते हैं, जो पीछे हैं बूट कैंप के वेयर हाउस मैप में दिख रहे हैं तीन, वहाँ से रश हो जाता है, और वो थर्ड पार्टी करके उनको मार देते हैं। अब यहाँ पे हो गया चार एक तरफ, एक एक तरफ, एक एक ये तरफ, बंदा, ये बंदा नीचे से पिंग गया। का मत पूछो, एमुलेटर प्लेयर खतरनाक। अब वो बंदा वहाँ पे सामने आएगा बिल्कुल, और इसको मेरी लोकेशन नहीं पता, लेकिन मेरा मतलब मैं पैनिक यहाँ पे इतना था कि बस सर फुल ब्लैंक हुआ था मैं, बहुत सही। फिर हम आ जाते हैं इरेंगल में, बहुत जल्दी हम इरेंगल आ गए, और यहाँ कुछ ऐसा है कि ये गेम प्ले बहुत सही है, मतलब किल ज़्यादा नहीं थे लेकिन मज़ा बड़ा आया। ये मतलब मुझे नहीं पता था कि हो जाएंगे चिकन डिनर हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मैं यहाँ जा रहा होता हूँ, तो ये जो सोल हसान बंदा है ना, ये S12 केसेस ने पूरा मिलिट्री को खाली किया हुआ होता है, और फिर ये बंदा आ जाता है मेरे पास। अब इस जगह पे मैं कोई 4 से 5 बार पहले मर चुका हूँ, तो ये भी S12 के, मेरा भी फिर देखो S12 का एक शॉट ना सब पे भारी है, तो हमने इसको एक शॉट लगाया और इसको भेजा वापस लॉबी। वो बहुत अच्छा खेल रहा था ये प्लेयर, अगर आप हसन भाई देख रहे हो तो आपके गेम प्ले के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सही गेम प्ले आपने खेला, मतलब प्रॉपर किल फील्ड में नाम आ रहा था इसका, प्रॉपर टक 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 तो नहीं आ रहा था, खैर नाम आ रहा था बहरहाल। तो हमने इनकी लूट फूट की बेहतरीन तरीके से यार, प्लीज़ जिस चीज़ ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, कमेंट करा करो, यकीन करो आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत एनर्जी देता है। फिर हमने प्लेयर चलाई
और एज यू नो हमारे प्लेयर की फास्ट सर्विस एट अ टाइम ड्रॉप आया। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो और कमेंट करा करो, बहुत एनर्जी मिलती है आपके कमेंट से और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने के लिए। फिर हम बग्घी उठाते हैं अपनी और हम आज जा रहे होते हैं ब्रिज पे, मुझे पक्का पता होता है ब्रिज पे बंदे होंगे, लेकिन बॉट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसने हमें बचा लिया। ये बंदा मुझे मार देता क्योंकि ये बहुत अच्छा कैंपर था और गन भी काफ़ी अच्छी थी इसके पास, तो ये बंदा बॉट को मार के उसकी लूट कर रहा होता। पहली गोली पैन पे लगती है, पैन ने बचा लिया उसको, बॉडिंग लगा वो उसको, और दूसरा हेडशॉट लगा रनिंग, मज़ा आ गया। मतलब फिर जब हम इसकी लूट कर रहे होते हैं तो फिर हमारे पास एक बॉट आ जाता है, और यहाँ ना मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और आपको कहीं से भी गोली आ जाती है, तो मैं यहाँ पे मतलब जितनी जल्दी हो सके ना निकलने की कोशिश करता हूँ, रुकता नहीं हूँ। फिर अभी अभी जोन यहाँ से कटा है, यहाँ पे जोन अभी भी था, अभी भी टाइम शुरू हुआ जोन का, वरना जोन यहाँ पे था, मुझे लग रहा था जोन यहीं बनेगा क्योंकि बस महसूस हो रहा था लेकिन गलत हो रहा था। एक बंदा फिर बॉट से पंगे कर रहा होता है, वो बॉट को काफ़ी डैमेज देता है, हमारा एक बॉडी शॉट से बॉट मर जाते हैं। फिर हम पर निकालते हैं, फिर पता क्या हुआ, उसने मुझे इतना गंदा कवर दिया, उसने मेरी गाड़ी फाड़ दी और मुझे इतना तंग करा, मेरी मतलब जोन में पहुँचते पहुँचते मेरी हालत को क्या हुई। अब बचे हैं पाँच बंदे, ड्रॉप पे एक बंदा था, ड्रॉप पे पहले तो मैं गया, वहाँ पे कोई भी नहीं था, मैंने स्मोक कर दिया, तीन बंदे बचे हैं फिर, और ये बंदा एक भाग के आ रहा है, अगली बेज भी होगा या गल होगा, मैं पैनिक जहाँ पे इतना था कि मेरा एम सेट नहीं हो रहा। हाँ, अगली डॉल्स। और अब देखो सस्ते नशे फास्ट फॉरवर्ड होगी, अब मैं बंदा ढूंढना चाह रहा हूँ और मुझे लग रहा था कि बंदा उस जो मतलब सबसे हाइट वाली जगह पे बंदा होगा, सबका यही ख्याल होता है इस टाइम पे मेरा ख्याल है। और मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता कवर लेते लेते इधर उधर से एम वहीं पे रख रख के डरता वहाँ पहुँचता तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर एक महसूस होता है गाड़ी की आवाज़ आ रही है, यार ये गाड़ी कहाँ से आ गई, तो समझ रहे हो वो एक बंदा ऐसा कोई ढक्कन किस्म का आदमी है, वो गाड़ी लेके फिर रहा है और आखिरी बंदा ढूंढ रहा है, ये तो बेवकूफ़ी हो रही। और फिर ये बिल्कुल मेरे सामने की गाड़ी रोक देता और ये फिर मिलता भी नहीं, मतलब क्या ऐसे कैसे सर जी। तो बस आज के लिए इतना ही था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना और प्लीज़ फॉलो करो इंस्टा पे जाके, कमेंट करा करो, आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, दोस्तों में शेयर करो, यार आई एम अ न्यू यूट्यूबर, आई नीड योर सपोर्ट वेरी वेल, ठीक है। और बहुत 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 हाथ पाँव कोनियाँ घुटने जोड़ के सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी वीडियो देखने के लिए, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।